वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट करियर पॉइंट वाल की आज की क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी एंड सीबीएसई मैथ्स क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कैसे रुकनिया एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। मंदरजा झैल में हर एक कसीर रुकनी का सिफर मालूम कीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। स्टूडेंट देखें यहाँ पर टोटल 7 सब क्वेश्चन हैं, इसके हमें सिफर पता करना है। देखिए नंबर 1 मैं आपको दिखाता हूँ। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। सिफर यानी कि एक्स की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा जो टर्म है वो सिफर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम करके दिखाता हूँ मैं आपको कंटिन्यू में एक्स प्लस 5 ठीक है। अब इसको सिफर पता करना है क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू प्लस 5 अगर हम मसावी के उधर भेजेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। यही इसका सिफर है। देखिए माइनस 5 को अगर एक्स की जगह में रखा, एक्स की वैल्यू माइनस 5 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट ठीक है। तो एक्स की जगह अगर माइनस 5 रखेंगे तो देखिए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिहाजा माइनस 5 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एक्स प्लस फाइव का सिफर माइनस 5 है। इसी तरह से आप सेकेंड देखिए, आप पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा। कंटिन्यू में अगर मैं आपको दिखा रहा हूं तो एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 5 तो 5 क्या है हमारे पास 0 है ठीक है। अब इसी तरह से थर्ड देखिए, बहुत इजी है, सिंपल आप कर सकते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है ठीक है। अब देखिए 2x इज इक्वल टू माइनस 5 होता है मसावी के अंदर जाएगा तो यहां से x क्या हुआ माइनस 5 बाई 2 यानी कि माइनस 5 बाई 2 को x की जगह रखेंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको क्रॉस चेक करके, 2 इंटू माइनस 5 बाई 2 प्लस 5 देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल 0 आ जाए माइनस 5। चलिए फोर्थ वन दिखा रहा हूं मैं आपको, फोर्थ वन देखिए क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है। अब देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3x इज इक्वल टू माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा और x आ गया हमारे पास 2 बाई 3। ये सिफर हो गया स्टूडेंट। क्रॉस चेक करना है आपको, देखिए 3 इंटू 2 बाई 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 ए 3 0 हो जाएगा ठीक है। अब फिफ्थ वन देखिए स्टूडेंट, फिफ्थ वन क्या है क्वेश्चन आपके पास, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है। अब देखिए सिफर बनाना है, रखे इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 बाई 3 हो गया, यानी कि 0 बाई 3 मीन्स 0 होता है। देखिए 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होता है। पी ऑफ एक्स का जो है आ गया सिफर 0 बाई 3 स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6-7 दो ही है, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए नॉट इक्वल टू 0 स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, ए एक्स को सिफर रखेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 ए इंटू में डिवाइड में हो जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब लास्ट वन है सेवंथ वन, सेवंथ वन क्या है देखिए स्टूडेंट्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब यहां से हमें सिफर दिखाना है, देखिए सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी होता है, प्लस डी उधर जाएंगे तो माइनस डी होता है, एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी, ये इसका सिफर हो गया स्टूडेंट। चलिए उम्मीद करता हूं मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन से ये आपको समझ में आए होंगे, अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो और एक बार देखें, अगर कुछ डाउट है स्टूडेंट तो कमेंट करके बताएं, उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।